टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो यानी बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स की जिंदगी बदल जाती है। यहाँ तक कि जिस सेलेब्स का नाम इंडस्ट्री में धुंधला पड़ता जा रहा है उनके गाड़ी भी पटरी पर आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज के अगर फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसा कि सब जानते ही हैं कि बिग बॉस एक माइंड गेम है, यहाँ आए कंटेस्टेंट्स को काफी कुछ सुनना, बर्दाश्त करना और झेलना ही पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी उनके मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ बिग बॉस 13 में आई कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना के साथ भी। यहाँ हम आपको बता दें कि इतने सालों बाद अब एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने अपनी जिंदगी में आए बदलाव को लेकर बात की है, जहाँ उन्होंने बताया कि उन्हें लगता था कि ये शो उनके जिंदगी में कई नए मौके लेकर आएगा, लेकिन असल में तो कुछ और ही हुआ। बिग बॉस से हिमांशी खुराना की जिंदगी में नेगेटिविटी भर गई है और वो डिप्रेशन में चली गई है। जी हाँ, पंजाबी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके हिमांशी खुराना ने अब हाल ही में एक शो के दौरान अपने डिप्रेशन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। हिमांशी ने कहा, जब मैं बिग बॉस में गई तो मुझे लगा था कि जिंदगी बदलने वाली है, पर सच्चाई ये नहीं थी। मैंने वहाँ इतनी नेगेटिविटी झेली कि मुझे वहाँ से बाहर आने में 2 साल का समय लग गया। डिप्रेशन में जाने की वजह से इसका असर मेरे हार्ट पर भी हुआ। मुझे इवेंट्स, शूट और ट्रेवल पर जाने से पहले पैनिक अटैक्स आने लगे थे। यहाँ तक कि अफसाना खान की शादी में भी मुझे डांस करते समय हार्ट अटैक इश्यूज हो गए थे, जिसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था। एक्ट्रेस ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनके इस कंडीशन के बारे में सिर्फ उनके करीबी दोस्तों को ही पता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कभी कामयाबी और शोहरत चांद का ही काल बन जाती है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।